बिग बॉस के एक्सटेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिग बॉस जो है अब और एक्सटेंड हो सकता है। पहले ये खबर थी कि 21 फरवरी को इसका फिनाले होगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि 21 फरवरी नहीं बल्कि बिग बॉस अब मार्च तक चलेगा। पहले इस बिग बॉस का फिनाले जो है जनवरी में था, लेकिन उसको फिर एक्सटेंड किया गया फरवरी तक, और अब जो है मार्च तक ये चलने वाला है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बिग बॉस, हालांकि शुरुआत में इस शो की टीआरपी नहीं आई, तूफानी सीनियर्स को लाया गया, इसके बाद जो है चैलेंजर्स की एंट्री हुई, कई ऐसे कंटेस्टेंट जो एविक्ट हो गए उनको फिर से बुलाया गया, और अब खबर आ रही है कि कुछ और एक्स कंटेस्टेंट को बुलाया जाएगा और इस सीज़न को एक्सटेंड किया जाएगा। तो मार्च एंड तक जो है, मिड या फिर एंड तक, यानी कि 15 मार्च या फिर मार्च के आखिर तक इस सीज़न को एक्सटेंड किया गया है, और अब जो है इसमें और नए कंटेस्टेंट जो है एंट्री ले सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जाहिर सी बात है, कलर्स के पास जो है फिलहाल खतरों के खिलाड़ी शूट उन्होंने नहीं किया है, तो इस शो को रिप्लेस करने के लिए कोई नया शो नहीं है। ऐसे में मेकर्स जो है ये प्लान कर रहे हैं कि जब तक कोई एक नया शो जो है बनकर तैयार नहीं होता, तब तक बिग बॉस को एक्सटेंड किया जाए। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन की वजह से जो है बाकी आर्टिस्ट के पास भी काम नहीं है, तो इसीलिए इन सभी को जो है और मार्च तक रखा जाएगा, और मार्च के एंड में या फिर 15 मार्च के आसपास जो है इस शो का फिनाले प्लान किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि सलमान खान की जो डेट्स हैं वो सिर्फ जनवरी तक थी, और फिर फरवरी तक की डेट जो है उनकी ली गई, लेकिन उसके बाद जो है अब मार्च तक की डेट के लिए सलमान खान जो है शायद तैयार नहीं हो रहे, तो उनको रिप्लेस करने के लिए फराह खान या किसी और को लिया जाएगा, लेकिन इस शो को एक्सटेंड करने की तैयारी जो है मार्च तक हो चुकी है।